ठीक है, मैंने आपका मुआयना करना है, ठीक है, इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी, अगर तकलीफ हो तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। आप जरा खड़े हो जाएंगे प्लीज, ठीक है। यू हैव द पेशेंट स्टैंड अप, क्योंकि वेरिकोस वेन्स में जो फिलिंग होती है वो ग्रेविटी से होती है ना, ठीक है। अच्छा, ये शलवार जो है ये बिल्कुल इधर ऊपर तक लेके जाए, दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है। जितना ऊपर चलो, आइडियली इट्स ऑल द वे, और इफ यू हैव द पेशेंट स्टैंडिंग इन एन अंडरवेयर, बट जितना ऊपर जा सकते वो है, ठीक है। नाउ बिल्कुल इस तरफ खड़े हो जाए। नाउ देयर आर टू मेजर वेसल्स दैट यू, जिसके कोर्स आपने एग्जामिन करना है, ग्रेट सेफनेस व्हिच कम्स फ्रॉम द सेफ्रोफेमोरल जंक्शन, गोज टू द सेफ्रोपोपलीटल जंक्शन एंड कम्स अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड कम्स हियर, दिस इज ग्रेट सेफनेस, ठीक है। अभी ये जो है ये ग्रेट सेफनेस पे यू एग्जामिन इट, आप पल्पेट भी करते हैं ताकि यू फील फॉर एनी ब्लो आउट्स, दीज आर कॉल्ड ब्लो आउट्स, जो बाहर निकले हुए हैं। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर, ठीक है। आप उस तरफ देखेंगे, ठीक है, ये है और ये है, दिस इज ग्रेट सेफनेस। शॉर्ट सेफनेस कम्स हियर एंड कम्स बिहाइंड द मीडियन मैलियोलस, ठीक है, ये हो गया। सो इसमें हम ये देखेंगे, अभी ये जो हमें नजर आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द ग्रेट सेफनेस या द शॉर्ट सेफनेस? गुड, ठीक है, इस तरफ मुड़े, ठीक है। नाउ देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोकलाइज द फेमोरल वेन, ठीक है ना, जहाँ पे सेफ्रोफेमोरल जंक्शन होता है वो आपने, सेफनेस एंड फेमोरल वेन का जो जंक्शन है वो आपने लोकलाइज करना होता है, ठीक है। द लैंडमार्क फॉर दैट इज कि आप इंग्वाइनल लिगामेंट को पल्पेट करते हैं, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो है मेन इंग्वाइनल पॉइंट पे आपको फेमोरल आर्टरी फील होगी, फेमोरल आर्टरी के बिल्कुल मीडियली सेफ्रोफेमोरल जंक्शन है, ठीक है। और अनदर वे टू डू इट इज कि सिम्फिसिस प्यूबस को पल्पेट करें एंड 5 सेंटीमीटर लेफ्ट इनटू दैट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसको आप पल्पेट करेंगे, इधर फेमोरल आर्टरी है, इसके साथ फेमोरल वेन है, थोड़ा दर्द हो रहा है, इधर मुझे रखिए आप, इधर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है ना। नाउ वन थिंग इज द टैप या द थ्रिल टेस्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, इधर हाथ रखेंगे ग्रेट सेफनेस पे एंड यू टैप ऑन द फेमोरल वेन, ठीक है, आपको थ्रिल महसूस होगी, ठीक है ना, यू डू द सेम, हां हो रही है, हां ये ठीक है, दैट्स वन, दैट्स वन टेस्ट। नंबर टू, आप लेट जाएंगे इधर लेट जाओ, ठीक है ना, यू मेक इट टॉनिक एयर दिस, ठीक है। आप टांग को उठाएंगे, एम्प्टी आउट ऑल द वेन्स, ठीक है, और जहाँ पे वो है सेफ में हो गया, नीचे आप इसको बांध देंगे टॉर्निकेट को, सेफ में फेमोरल जंक्शन से थोड़ा नीचे, ठीक है, इसको बांध देंगे, वेन एम्प्टी आउट हो गया ना। अब आप पेशेंट को कहेंगे कि खड़े हो जाए, आप आज खड़े हो जाए जरा, ऑब्जर्व करेंगे, दिस फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स डिटरमिन कि लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ पे है, अब जो ब्लॉकेज कहाँ पे है, देखिए नहीं है, दैट मीन्स वेयर इज इट, सेफ्रोफेमोरल जंक्शन पे मसला है, ठीक है। अगर सेफ्रोपोपलीटल भी होता तो फिर इट विल स्टिल गो ऑन, ठीक है। अभी देखिए मुड़ जाए जरा, नहीं है इत, वो तो क्योंकि इतना टाइटली नहीं बांधा, ठीक है, ये ठीक है ना। चले अभी अगर फॉर एग्जांपल इफ वी ओपन इट, ठीक है, ये हो गया, वो मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका प्रतीस टेस्ट, ठीक है। प्रतीस टेस्ट में एक और चीज़ भी हम ये करते हैं कि उधर बांध के वॉक करवाते हैं, या द सिंपलेस्ट थिंग इज आस्क द पेशेंट को लाइक दिस 10 times, ठीक है, ये करवाएंगे, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि वो एम्प्टी आउट हो रहे हैं कि नहीं, जो सुपरफिशियल वेन्स है, वेरिकोसिटीज है, वो एम्प्टी आउट हो रहे हैं कि नहीं। इफ दे एम्प्टी आउट, दैट मींस हमारे जो परफोरेटर्स है, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर वर्किंग, और डीप वेन्स का मसला नहीं है। लेकिन इफ मतलब पेशेंट की जो वेरिकोसिटीज है वो कम भी नहीं होते, दैट मींस के वो परफोरेटर्स का मसला है, परफोरेटर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज द सुपरफिशियल वेन्स आर नॉट एम्प्टीइंग आउट इनटू द डीप वेन्स, तो इसी वजह से उसका मसला है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट, दोबारा लेट जाए, ठीक है, जारी बात है। अच्छा, व्हाटएवर आई एम डूइंग यू हैव टू डू ऑन द अदर, ठीक है, मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट, ठीक है। मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट में हम 4 जगह बांधेंगे इसको, ठीक है, एम्प्टी आउट कर लेंगे, ठीक है,
ऊपर से लेके नीचे तक हम बांधेंगे इसको, पहले उसी जगह पे जहाँ पे हमने पहले बांधा हुआ था। इधर ठीक है, दूसरा जो है अबव द नी जॉइंट। पढ़ के आए हो यार शाबाश। ये है ठीक है, हमारे एक ही परफेटर अपर मतलब थाई में एक ही है, वो मिड थाई पे होता है, तो ये उसको कवर कर रहा है बेसिकली ठीक है। नीचे हमारे तीन परफेटर्स होते हैं, वन इज 5 सेंटीमीटर्स अबव द मीडियोरिस, 5 सेंटीमीटर्स बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी एंड देन इन बिटवीन दीस बोथ। तो इधर हम तीन बांध देंगे। यार इसको कोई एक तरह रख लेगा कोई बात नहीं, जस्ट वो मैथ का प्रेजेंटेशन आई थिंक यू आर लाफिंग एट हिम। ओके हां इट्स नॉट नाइस ठीक है। ये हो गया, ये यहां पर हो गया, और एक यहां पर हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया तो नहीं बांधेंगे ठीक है। आज आप खड़े हो जाए ठीक है। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता टॉर्निकेट को खोलेंगे ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर खोलना है, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे ठीक है, बट बेसिकली नीचे से ऊपर हम खोलेंगे ठीक है। अगर हम इसको खोलेंगे, जस्ट इमेजिन देयर इज अ टॉर्निकेट हियर ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर हम इधर से खोलेंगे, दिस इज गोना सिग्निफाई दिस परफोरेटर, इसको इस ये इस परफेटर को सिग्निफाई करता है। इसको खोलेंगे तो वो मिड थाई वाले परफेटर को सिग्निफाई करता है ठीक है। इसको हमने खोल दिया है, सॉरी ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, इसको हमने खोल दिया है, नहीं हुआ ठीक है, इसको हमने खोल दिया है, सॉरी ये तो मैंने ऊपर वाला खोल दिया ठीक है, हो गया ठीक है। तो ये परफेक्ट है, लेकिन वो ऐसे में मैंने ऊपर से खोल दिया था, तो लेकिन बेसिक तरीका यही है ठीक है। एक एक आप खोलेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे ठीक है। यूजुअली जहाँ पे ये ब्लो आउट्स होते हैं, अभी देखो ये तो दिस इज नॉट अ ब्लो आउट ठीक है, ये तो मैनी वेसल्स मतलब जमा हो के वो बन गए ना ब्लो आउट। एक सिंगल वेसल आपको ऐसे बाइन, जैसे कि ये एक ब्लो आउट है, नहीं ये भी नहीं है, ये ब्लो आउट है ठीक है, ये भी ब्लो आउट है, ये भी ब्लो आउट है, ये भी ब्लो आउट है, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर ही है ये और ये ठीक है, यही है, दैट्स हाउ यू एग्जामिन द वेरिकोज वेंस ठीक है ना। एंड देन आप पेशेंट को कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका।